स्वागत करता हूं। ये गठबंधन में योग क्यों शामिल हो रहे हैं उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है उससे आप सब अवगत हैं, तो मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। लेकिन सबसे पहले मैं इंचार्ज जो बिहार के हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको चंद शब्द वो कहें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अहमद भाई पटेल को नमस्कार। और आज महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी ज्वाइन किए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। और देश में जिस प्रकार से जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आरबीआई हो, ये उसको बचाने की लड़ाई है। ये उनके खिलाफ लड़ाई है जिन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया, गुमराह करने का काम किया और कुछ लोगों के लिए सिर्फ अपना, किसानों का हित ना सोच करके बस कुछ लोगों का हित सोचने का काम किया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश भर में अघोषित इमरजेंसी कायम हो चुका है, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश में तानाशाही नहीं बल्कि अपने घटक दलों के साथ भी तानाशाही रवैया अपनाने का काम किया है, आज नतीजा आप लोगों के सामने है। आप देखिएगा बिहार में डबल इंजन की सरकार कही जाती है। हमारे चाचा नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान करने का काम किया, विकल्प बिहार की जनता को दे जो सच में कम ही वादे करे लेकिन उसको पूरा करने का काम करे, एक पॉजिटिव सकारात्मक सरकार देने का काम करे, उसके लिए हम लोग सब लोग जो है एकजुट हुए हैं। लेकिन देश में सबसे बड़ा जो खतरा जो है, अगर संविधान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, उसलिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं अपने देश से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए। और जिस तरीके से ठगों का जो गठबंधन हुआ है उनको करारा जवाब देने के लिए, और बीजेपी को अगर आप देखिएगा, चाहे नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, तो हर जगह से एनडीए ने अपने अलायंस को खोले।